नमस्कार, मैं सुलभा बिल्लौरे आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में हमने विजयादशमी का पर्व मनाया, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक पर्व है। लेकिन क्या इन पर्वों की असली खासियत समझना हमारे लिए संभव है? क्या इतिहासकारों ने हमें गुमराह किया है? जब हम भारत के पूरा प्राचीन इतिहास की ओर नज़र डालते हैं, तो समझ में आता है कि विदेशी विद्वानों ने हमारे इतिहास की रचना केवल भौतिक तथ्यों एवं सबूतों के आधार पर की है। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक काल का अध्ययन, इतिहास लेखकों ने केवल सुविधाजनक रास्ता अपनाया है। इतना ही नहीं, यूरोपीय विद्वानों ने हमारे इतिहास के बारे में गलत धारणाओं का निर्माण किया है। उन्होंने न केवल सांस्कृतिक प्रमाणों को नकारा, बल्कि हर उस निशान को मिटाने का हर संभव प्रयत्न किया है जो हमारी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का कहना था कि भारत केवल एक भौगोलिक स्थान है जिसमें न तो कोई संस्कृति थी और न कोई सभ्यता। इस तरह के विचारों ने ईमानदार भारतीय इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वामपंथी विद्वानों ने भारतीय इतिहास को काल्पनिक साबित करने के लिए एक अभियान छेड़ा है। इन इतिहासकारों का उद्देश्य यह है कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को मिटाकर नवीन नैरेटिव्स स्थापित कर दिए जाएं। ऐसे प्रयास वर्तमान में भी जारी हैं, ताकि भारतीय सभ्यता का कालानुक्रम मात्र 3500 वर्ष ईसा पूर्व साबित किया जा सके। आर्यों के संबंध में भी इन लोगों ने कई भ्रामक जानकारियाँ दी गई हैं। पूरा प्राचीन इतिहास के मुद्दे पर श्री नीलेश नीलकंठ ओक और श्री वेदवीर आर्य ने नक्षत्र गणना एवं इतिहास में घटी घटनाओं की सटीकता को प्रमाणित करने के लिए तकनीक का सहारा लेकर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। इन दोनों विद्वान ने घटनाओं का एस्ट्रोनॉमिकल विश्लेषण कर बताया कि भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास लगभग 25,000 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्रम को आगे बढ़ाया है जबलपुर के इतिहासकार गिरीश बिल्लौरे मुकुल ने अपने शोध कार्य में भी प्राचीन मानव सभ्यता के विकास के 16,000 वर्ष ईसा पूर्व के प्रारंभ होने के संकेतों का खुलासा किया है। श्री राम, जिन्हें भगवान माना जाता है, को अक्सर काल्पनिक व्यक्तित्व साबित करने की कोशिश होती है, जबकि वे वास्तव में एक महान सम्राट भी थे। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास के प्रति जागरूक रहें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सनातन धर्म और सभ्यता तथा संस्कृति के विकास की वास्तविकता को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समझने का प्रयास करें। इतिहास पुरुष राजाधिराज श्री राम शीर्षक से रचित श्री गिरीश की कृति का लेखन लेखक की गंभीर बीमारी से मुक्ति के उपरांत कंप्लीट बेड रेस्ट के दौरान की है। पुस्तक के लेखक गिरीश का कहना है कि भविष्य में वे श्री कृष्ण के इतिहास एवं महाभारत काल पर भी शोध कार्य करेंगे। श्री हिंद पब्लिकेशन उज्जैन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में लेखक ने सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आम आदमी तक सच्ची रामकथा पहुंचाने की कोशिश की है। लेखक अपनी कोशिश में सफल भी रहे हैं। अमेजॉन एवं श्री हिंद पब्लिकेशन उज्जैन से प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक से प्राप्त रॉयल्टी श्री रामलला ट्रस्ट को प्रकाशक द्वारा भेजी जाती है। लेखक ने इस कृति से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी मंदिर प्रबंधन के लिए समर्पित की है। कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल रेड क्रॉस को समर्पित है, अतः इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए।